दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। इसलिए हमने भी ये फैसला किया है कि अपनी हर वीडियो में सबसे पहले आपको ये पैगाम दिया जाएगा कि आप अपने आप को कोरोना वायरस से कैसे महफूज रख सकते हैं, या आप जब तक ये वबा दुनिया में मौजूद है, जब तक ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती, हमारी हर वीडियो के शुरू में आपको ये पैगाम दिया जाएगा, तरीक़ेकार बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने अपने आप को महफूज करना है। तो ऐसा है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से महफूज रहने के लिए वही तरीक़ेकार इख्तियार करें जो आप आम नज़ला ज़ुकाम के लिए इख्तियार करते हैं, यानी अपने हाथों को बार बार हर 15 से 20 मिनट के बाद गर्म पानी से कम 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह धोएं। साबुन से धोना है ये, और अगर साबुन से नहीं धोना चाहते तो फिर अल्कोहलिक वाश पैड, आप इनसे अपने हाथों को अच्छी तरह, उंगलियों को, अपनी हथेली, हाथ की बैक साइड, इनको अच्छी तरह से साफ करें उससे। ये वाश पैड जो हैं, ये बआसानी किसी भी बड़े स्टोर या फार्मेसी से मिल जाते हैं। उसके बाद यह है कि आप अपने हाथों और उंगलियों को अपनी आंखों, नाक और मुंह से दूर रखें, यानी बार बार आप अपने नाक और मुंह को मत छुएं। ये एक हकीकत है, और ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ से रोका जाए तो वही चीज़ आपको बार बार करनी पड़ जाती है, महसूस होती है। यानी अगर आपको कहेंगे कि अपने चेहरे को हाथ मत लगाएं, तो आपको चेहरे पर खारिशी महसूस होगी, आपको बार बार हाथ लगाना, ये एक नफसियाती मसला है, लेकिन आपको इसमें बहुत एहतियात करनी होगी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि जिस शख्स को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, आप उससे दूर रहें। चाहे वो कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, आप उससे बहुत दूर रहें और हर किस्म के रابطے से गुरेज करें, क्योंकि ये वायरस जो है एकदम असर करता है, और खुदा ना खास्ता ख्वा मखा में आप किसी भी परेशानी में पड़ जाएं। तो हमारा ये पैगाम है आपको, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ 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 आपको फिर हमारी तरफ से ये नसीहत कह लें, या जो भी आप चाहे कह लें, यह है कि आप बहुत एहतियात करें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। खुदा आपको हर किस्म की परेशानी और मुश्किल से महफूज रखे। दोस्तों, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी पार्ट 4 of 11, यानी दौलत के बारे में वो हकायक जो आपको जानने ज़रूरी हैं, लेकर हाजिर हैं। इस चौथे हिस्से में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो यह है कि आपके पास दो चॉइस हैं, अपना ज़ाती घर या किराए का घर। तो इन दोनों चॉइस में से कौन सी चॉइस ज़्यादा बेहतर है, आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। दुनिया में लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका अपना ज़ाती घर हो, और अगर देखा जाए तो ये ख्वाहिश कोई बुरी ख्वाहिश भी नहीं है। हर एक चाहता है कि अपना ज़ाती घर हो, पुरसकून हो, वो सुकून से उस घर में रहे, अपनी मर्जी के मुताबिक रहे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि किराए पर घर लेना अपना घर होने की बनिस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी समझे ना आप मेरी बात को, कि किराए पर घर लेना अपना ज़ाती घर होने की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है। अब वजह ऐसा क्यों है, उसकी वजह यह है कि किराए के घर में आपको किराया तो ज़ाहिर है देना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत सी जिम्मेदारियों से छूट जाएंगे। घर का टैक्स, घर की मेंटेनेंस और इस किस्म के दूसरे मसाइल, और फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप जब चाहें, जहां चाहें नया घर किराए पर ले सकते हैं। फिर साथ साथ आपकी एक बड़ी रकम ये एक जगह पर होल्ड नहीं होगी, आपकी रकम आपके अपने हाथ में रहेगी।
किराए के घर की तमाम जिम्मेदारी मालिक मकान पर होती है। आप बिल अदा करते हैं, ठीक है, बिजली का, पानी का, गैस का बिल ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है वो तमाम चीज़ें जो उस मकान से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टी टैक्स और इस किस्म के तमाम दूसरे टैक्स, ये सब के सब मालिक मकान की जिम्मेदारी में आते हैं और आप इससे महफूज रहते हैं। ना तो आपको लाइनों में जाके खड़ा होना पड़ता है, ना आपको जाके लड़ना पड़ता है कि मेरा तो घर इतना था, इसका टैक्स इतना ज़्यादा भेज दिया, कोई गलती हो गई, कोई कुछ हो, बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा बेहतर है वो यही है कि आपका घर किराए का हो तो आप सहूलत ही सहूलत में हैं। आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, बार बार दरख्वास्त करूँगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से महफूज रहें, तमाम हिफाजती इकदामात करते रहें ताकि आपको अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपसे गुजारिश है कि बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, इस तरह आपको हमारी मज़ीद वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपने पसंद की वीडियोस आप देखते रहेंगे और उनसे फ़ायदा मंद होते रहेंगे। शुक्रिया।